गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हिमाचली छोकरा भाई, आप देख रहे होंगे बर्फबारी के बाद अब मौसम खुल चुका है थोड़ा। देखिए बादल कितने प्यारे लग रहे हैं सामने। और अभी फ़िलहाल मैं घर से निकल चुका हूँ काफ़ी समय बाद, आज अपने लक्ष्य की ओर। लक्ष्य तो क्या बोले भाई, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आज व्लॉग बनाने का मौका मिला, थोड़ा सा अच्छा भी फील कर रहा था। तो ऐसे में सोचा मैंने आपको दिखा दूं बर्फबारी के बाद कैसा व्यू होता है हमारे हिमाचल में। देखिए बहुत प्यारे उस पहाड़ी पर, देखिए कितनी प्यारी प्यारी बर्फ़ पड़ी है। अभी हमारा ये फर्स्ट स्नोफॉल है, लेकिन इसके बाद जब कभी यहाँ पर ज़्यादा बर्फबारी होगी तो मैं आपके साथ सीधे ही लाइव आ जाऊँगा अपने यूट्यूब पेज पर। तो देखिए दोस्तों कितना प्यारा व्यू। अभी हमारे यहाँ तो अभी बर्फ़ नहीं पहुँची है, अभी आपको पता है पतझड़ का मौसम है तो थोड़ा सा रुखा सूखा ही दिखता है, थोड़ा ड्राई लगता है अभी, क्या ही बोले। अब बहुत सारे काम भी पेंडिंग है मेरे, जॉब से मेरी छुट्टी है एक दो दिन के बाद, मैं फिर से वापस चले जाऊँगा अपने जो मेरा डेली वर्क है। तो दोस्तों ये देखिए हमारे घर से जो रामपुर का व्यू है, ये हमारा रामपुर बुशहर है ये सामने। तो ये अभी यहाँ पे क्या था कि कुछ समय पहले देखिए ये ढांक है, यहाँ पर काफ़ी डर भी लगता है आगे, अगर यहाँ से आगे निकल जाए तो वही सीधे ही उस रोड से हमारी बस आती है जिसमें मैंने अभी जाना है। तो अगर बस नहीं मिलती है तो बस के बाद छोटी गाड़ी या लिफ्ट लेके, क्योंकि यार मुझे अभी चलने में थोड़ी दिक्कत आती है तो जल्दी जल्दी चला नहीं जाता मेरे से। तो दोस्तों ये देखिए उस पॉइंट से मेरी बस आएगी, तो इधर इन गांव को क्रॉस करते हुए इस वाले रास्ते से ये देखिए, और ये मेरा स्टेशन है, यहाँ मुझे पहुँचना है रामपुर। तो दोस्तों अब ले चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ आज का जो मेरा रास्ता है। काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ भाई, क्योंकि घर में बैठ बैठ के एक ही जगह यार, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशनें आई लाइफ में अभी, क्या ही बोले दोस्तों। लेकिन अब काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ। तो ये पेड़ जो है सामने, ये काफ़ी छोटे छोटे थे उस टाइम जब मैं भी छोटा था, अब देखिए अब मुझसे ज़्यादा बड़े हो गए। ये हमारे चील के पेड़ है, पहाड़ी भाषा में हम इसको चील बोलते हैं, चील। ये हम लकड़ी के लिए यूज़ करते हैं जब ये बड़े हो जाते तो इसकी खाल निकाल कर, तो अभी ये छोटी है तो बाद में हम इसका यूज लकड़ी के रूप में चूल्हे में डालते हैं और इसे हम खाना भी पका लेते हैं। कुछ इस तरह का व्यू है घर के साथ, अभी मैं निकल पड़ा हूँ यहाँ से। तो दोस्तों अभी लग चुकी है प्यारी प्यारी धूप, और ठंड में अगर धूप मिल जाए तो क्या ही मज़ा आता है भाई, ये तो आपको पता है। तो अभी फ़िलहाल मैं रोड के साथ चुका हूँ भाई, रोड के साथ फ़िलहाल। तो अभी मैं ओडाधार पहुँचने वाला हूँ, जो भाई मेरे गांव के उनको बताए ओडाधार कौन सी जगह है। एक यहाँ से हम लिफ्ट लेते हैं क्योंकि घर से रोड काफ़ी दूर है यार, तो बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि रोड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर के साथ। रोड का होना यार मेरे लिए क्या सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो रोड से डेवलपमेंट होती है भाई, वो ऐसे नहीं हो पाती। ये जो सामने घर दिख रहे हैं उस पॉइंट पर, ये सारा मेरा ननिहाल है भाई। और ये जो टावर है पीछे को, एयरटेल का टावर है, यहाँ से लेकर मैं स्टेशन तक भाई अभी पैदल पहुँचा हूँ। और जो गाड़ी में पार्क करता हूँ अपनी, वो मैं इस वाले एरिया में करता हूँ जो मेरा ननिहाल है, इसके साथ ही मैं वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करता हूँ। तो फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ ओडाधार, घर दिख रहा है, मेरे मामा का घर है, पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। दोस्तों तो आफ्टर लॉन्ग टाइम यार बहुत अच्छा लग रहा है ब्लॉग बनाते हुए, तो बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे
कि भाई कहाँ गायब था। तो आपको पता है भाई, लाइफ में कभी क्या बोलूँ यार, लाइफ में चले रहते हैं, दुख सुख तो आते रहते हैं, एक सिक्के के दो पहलू है। तो आपको निराश नहीं होना है ऐसे में, अपने माइंड में पॉजिटिविटी रखनी है, क्योंकि भाई वही होता ना, जब रात होती है तो रात के बाद अंधेरे के बाद सवेरा भी होता है। तो भाई हमें एक आशा रखनी चाहिए, क्योंकि भाई होता है लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती है, तो हमें ऐसे में डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि हमें अपने माइंड में पॉजिटिविटी रखनी है। तो दोस्तों सब कुछ चलता है यार लाइफ में, मैंने ये सीखा है कि बुरे वक्त में भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हमेशा खुशी नहीं रहती यार, खुशी के साथ गम का होना भी ज़रूरी है। तो फाइनली मैं अब काफ़ी ठीक हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है आज आपके सामने व्लॉग भी बना रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने जैकेट पहन रखी है पूरी भी, क्योंकि जैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भी तेज़ हवाएं चलती है यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल मैं पहुँच चुका हूँ ओडाधार, तो ये हमारा रोड है यहाँ पर, तो यहाँ से मुझे लिफ्ट लेनी है। मैं वेट करूँगा लिफ्ट की, क्योंकि भाई अपनी गाड़ी हो चुकी है अभी, ख़राब तो नहीं यार, क्योंकि 2 महीने से खड़ी है भाई, तो चलाने में दिक्कत है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कोई ना, 5-10 दिन बाद जैसे ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ तो फिर अपनी गाड़ी में जाएंगे भाई। तो दोस्तों अब करता हूँ मैं गाड़ी की वेट, देखते क्या मिलता है, क्या किस्मत में होगा। बस अभी वापस आने वाली है, इसी बस में जाना है मुझे, ये थोड़ा टाइम लेगी, अभी ये चकलोट जा रही है। अगर इससे पहले मुझे कोई लिफ्ट मिल जाती है तो उसमें जाऊंगा, नहीं तो इसका वेट करना पड़ेगा भाई। तो कोई ना, वेट कर लेंगे यार, थोड़ा मुश्किल होता है वेट करना सर्दी में, लेकिन चलो कोई ना, जाना तो पड़ेगा और वेट भी करना पड़ेगा।